हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हो बॉलीवुड दम चैनल। दोस्तों, बहुत से लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बॉबी हैटर्स के बारे में एक वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप सब ने बार बार रिक्वेस्ट किया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, यही है इसकी पॉपुलरिटी। हम उनको इम्पोर्टेंट देते हैं, इसी के वजह से जो है वो पॉपुलर होते जाते हैं। और अगर हम इनकी वीडियो देखना बंद कर देना तो इन सब की जो है चमचागिरी अपने आप ही बंद हो जाएगी। इनके पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है हम सबका। क्यों हम इनको बोलते हैं खान हेटर्स या फिर अभी जीरो आ रही है तो सबसे पहले बात करेंगे जीरो के हेटर्स। क्योंकि दोस्तों, सिंपल बात है, इसको पॉपुलर होना है। अगर आप जीरो को प्रमोट करोगे या फिर जीरो को सपोर्ट करोगे या फिर शाहरुख खान को सपोर्ट करोगे या फिर सलमान खान को सपोर्ट करोगे तो आपका वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। लेकिन इनके बारे में बुराई करो तो आपका वीडियो झट से वायरल हो जाता है। दोस्तों, ये लोग पहले आते थे सिर्फ एक चैनल पे, थ्री एक्सपर्ट है, उनमें से है एक बॉबी, जो कि दोस्तों खास करके जब सलमान खान की मूवी आती है तो उनके बारे में बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। शाहरुख खान की मूवी आती है तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। हाल ही में जीरो के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा जो वीडियो इंटरनेट में वायरल हो गया और शाहरुख खान के जो फैंस हैं बहुत गुस्से हो गए। जाहिर सी बात है, अभी वो गुस्से हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीरो के बारे में इतना कुछ कहा। जब वो सलमान खान की मूवी के बारे में कुछ बुराई करते हैं तो यही फैंस उनको सपोर्ट करते हैं। अभी वो जीरो की नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे स्टार के फैंस। तो अब हमें गुस्सा आ रहा है कि वो जीरो के बारे में गलत अनंत सनाप बोल रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए क्योंकि हम सब खान्स फैन है, सलमान खान हो, शाहरुख खान फैन हो। लेकिन हमें क्या करना है वही हमको समझ में नहीं आता। हमें एक बात समझना है, ऐसे दुर्चट्टे लोगों को हमें जो है इम्पोर्टेंट नहीं देना है। वो सलमान की बुराई कर रहा है, करने दो यार, वीडियो आ रहा है हमारे यूट्यूब लिस्ट में, उसको हटा दो, देखना नहीं है हमें। वो शाहरुख खान की बुराई कर रहा है, देखना नहीं है। जब उसके वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आएगा ना, जो चैनल उसका इंटरव्यू लेता है वो भी उनको इम्पोर्टेंट देना बंद कर देगा और उनका इंटरव्यू भी नहीं लेगा। तो यहाँ पर मेन रीज़न है हम ही इनको बढ़ावा देते हैं, हम ही इनको सपोर्ट करते हैं, हमारे वजह से ये पॉपुलर है। नहीं तो इनकी औकात ही क्या है, आप सब सबको पता है। जो क्रिटिक्स हैं, मेन क्रिटिक्स तारण आदर्श, अपने दम पर इतने बड़े बने हैं। कोमल नाहटा अपने दम पर बने हैं। ये किसके दम पर बने हैं? ये चापलूसी करके दम पर बने हैं। ये शाहरुख खान के साथ अक्षय कुमार का तुलना करते हैं तो आप समझ ही सकते हो शाहरुख खान कहाँ है और अक्षय कुमार कहाँ है। सलमान खान के साथ एक छोटे स्टार के मतलब कंपैरिजन करते हैं तो आप समझ सको अभी किस पोजीशन पे है और वो छोटे स्टार जो है वो किस पोजीशन पे है। तो सिंपली दोस्तों, इन सब इंसान को ना हमें इम्पोर्टेंट नहीं देना है। ये अगर किसी की बुराई करते हैं, वीडियो आता है, आने दो, हमको देखना नहीं है। जिसकी भी बुराई करें, चाहे सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो या फिर दूसरे स्टार की भी, हमको इनको इनके वीडियो जो है देखना नहीं है। जितना आप इनकी वीडियो देखोगे, आप गाली दोगे कमेंट में, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके सामने नहीं। सामने होते तो शायद शाहरुख खान के फैंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मार भी देते, लेकिन वो दूर से बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। जो शाहरुख खान के फैंस हैं उन्हें मतलब कमेंट में गाली देंगे, उनसे क्या होगा, वो कमेंट को डिलीट कर देंगे, फिर से अपना बड़बड़ करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों, हर पब्लिक को एक आज़ादी होती है, वो मूवी आने से पहले इतना कह सकते हैं कि मूवी देखना है या नहीं, इतना कहो, कोई गलत नहीं है। उसके बाद आपको मूवी की बुराई करनी है तो कब करनी है, जब मूवी आ जाएगा आप देख लोगे, आपको पसंद नहीं है तो बुराई करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मूवी पसंद नहीं है आप बुराई कर सकते हो, आपको पसंद है तो उसके बारे में अच्छी खासी बोल सकते हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये मतलब बहुत छोटे लोग हैं, बहुत गिरे हुए लोग हैं। इनको अपने आप को जो है पॉपुलर करना है, इसी वजह से ये नाम पकड़ते हैं खान का। क्योंकि आप सबको पता है खान की एक न्यूज़ आएगी तो वीडियो जो है धड़ाधड़ वायरल होगा, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो वीडियो उतना ज़्यादा वायरल नहीं होता। लेकिन खान्स के बारे में कुछ गलत बोल दो, आज ही आपका वीडियो जो है धड़ाधड़ वायरल हो जाता है। आप देखोगे ये जब रिव्यूज़ देता है तो लाखों जो व्यूज़ हैं उनको मिल जाता है। उसका कारण यही है, वो जो है मूवी के बारे में नेगेटिव बोलता है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, इन सब चमचों को जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं देना। आप उनके शक्ल नहीं देखते,
अगर उनको अगर फिल्म में कोई चांस मिले तो आपको लगता है उनको विलेन का भी चांस मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन वो जो आदि मानव का मूवी होता है वहाँ पर उनको विलेन का चांस मिल सकता है। आजकल के हिंदी, तमिल, तेलुगु ले लो, कन्नाड़ा फिल्म ले लो, सब फिल्म में ही विलेन भी जो है बहुत स्टाइलिश होते हैं, तो मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो वो जब वैसा थोबड़ा लेके आपके सामने आ जाता है तो आपको वीडियो देखने का मन करता है क्या? आपको सिंपली यही करना है, उनका वीडियो जैसे ही आता है आपको देखना नहीं है, भैया आ रहा है जाने दो, आ रहा है जाने दो, खुद ब खुद देखना यूट्यूब से ही भाग जाएगा। तो दोस्तों मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो कहना था आप सबसे कह चुका हूँ। तो आपको एक ही बात का ख्याल रखना है, आप शाहरुख खान के फैंस हो, चाहे सलमान खान के फैंस हो, चाहे आमिर खान के फैंस हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के मूवी को सपोर्ट करो, तभी जो है आपके स्टार्स की जब मूवी आएगी कोई भी नेगेटिविटी फैला नहीं पाएगा। आपने शनिवार रविवार को ही देखा सलमान और शाहरुख का याराना, तो वो दो जब इतने अच्छे दोस्त हैं तो हम कौन होते हैं जो हम उनके फैंस हैं, हम एक दूसरे से इतना लड़ते हैं? हम अगर नहीं लड़ेंगे तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप ही अपना मुंह जो है बंद कर लेंगे। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा, ये सब घूंचू और छोटे मोटे लोगों के बातों में कान ना दें, और इनके वीडियोस ना देखें, और इनको सपोर्ट ना करें, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और इनके वीडियोस आना भी अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कॉमेंट सेशन में जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करना हो तो कर देना, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।